इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र में फरवरी तक कोरोना पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान है, जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है उसे देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि कम से कम मध्य फरवरी तक महाराष्ट्र में प्रतिबंधों को जारी रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वर्तमान हाल को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले हफ्ते में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले छोटे शहरों में बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए वायरस को फैलने से रोकना ही इसका एक उपाय है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस को रोकने का सही उपाय प्रतिबंध और वैक्सीन है। आपको बता दें लॉकडाउन में ही जीना होगा, लगभग जो पाबंदियां लगी हैं यानी उसमें ही जीना।